ओके डियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हमने क्वेश्चन नंबर फोर तक कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कर रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, मतलब कुछ सेट्स दे रखे हैं, उनको आपको मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। लिखा तो नहीं है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन भाई हमें क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि भाई क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट फॉर्म है यानी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मुझे करना क्या है, उसको हमें करना है यानी कि एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है, ठीक है डियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, इन्होंने कहा है कि एक सेट है, हम क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि इसका पहला पार्ट, इसका जो पहला पार्ट है, ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का एक, ओड नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है डियर। ओड नेचुरल नंबर का एक सेट बनाना है तो आपको पता ही है, आप सीधी सी बात है यहाँ पे सोल्यूशन कर लीजिए। सोल्यूशन में क्या करना है, हमने पहले भी आपको बताया हुआ ओड नेचुरल नंबर का एक पीछे भी एग्जांपल में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए इज इक्वल टू में ब्रेसेस के अंदर क्या हो जाएगा, नेचुरल ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं, आपको पता है कि ओड नंबर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं, वन होता है, थ्री होता है, ठीक है, फाइव होता है, सेवन होता है। भाई वो नंबर जो पूरी तरह से दो से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ओड नंबर कहलाते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सारे ओड नेचुरल नंबर कहलाएंगे। तो ओड नेचुरल नंबर में हम लिखेंगे यहाँ पे वन, थ्री हो गया हमारा, फाइव हो गया, यहाँ पे सेवन हो गया, नाइन हो गया, सोन सोन सोन, क्योंकि लिमिट तो दी नहीं है, तो लिमिट नहीं दे रखी है तो सोन लगा दीजिए, बस ये हो गया आपका आंसर, यानी कि पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन साथ में गिवन है कि भाई बी एक सेट है, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है माइनस वन बाई टू लेस देन एक्स लेस देन नाइन बाई टू, यही बोला है ना। तो इसको कैसे हमें मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है डियर। सपोज मान लीजिए, कहने का मतलब है क्वेश्चन आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, लिख ही लो तो बेटर रहता है। यहाँ पे b इज इक्वल टू में यहाँ पे दे रखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर माइनस वन बाई टू और लेस देन x और लेस देन नाइन बाई टू, ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है भैया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करना है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है वो अब वो देखिए। अब कहने का मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई मैंने एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लिया, सपोज मान लीजिए मैंने कि यहाँ पे नंबर लाइन ले लिया, देखिए सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए ये हमारा जीरो है, क्या है, ये हमारा जीरो है, ठीक है। अब इसके बीच में एक यहाँ पे ले लेते हम माइनस वन, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस वन हो गया हमारा, ठीक है। और इधर आइए आप, यहाँ पे लीजिए वन और यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री और यहाँ पे आपका क्या हो गया फोर और यहाँ पे आप फाइव ले लीजिए। तो डियर अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूँ भाई वन बाई टू, माइनस वन बाई टू दे रखा है, तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं माइनस, देखिए सीधी सी बात है, माइनस वन में अगर मैं टू से डिवाइड करूँ तो पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो टू फाइव जाए क्या हो जाएगा डियर, टेन हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात कट गया ना, यानी जीरो पॉइंट फाइव, तो जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फाइव किधर जाएगा, यहाँ पे आएगा ना डियर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे, यानी कि माइनस ये जो है ये माइनस क्या है, ये माइनस वन बाई टू है। अगर वही चीज़ मेरे पास नाइन बाई टू दे रखा है, क्या दे रखा है डियर, यहाँ पे नाइन बाई टू दे रखा है, तो नाइन को अगर मैं टू से डिवाइड करूं तो टू फोर जा क्या होता है डियर, एट होता है, यहाँ पे वन बच गया रिमाइंडर डेसिमल, और यहाँ पे मैंने टू फाइव जाते हैं यानी फोर पॉइंट फाइव, तो फोर पॉइंट फाइव कहाँ पर आएगा डियर, इसके बीच में आएगा, ये आएगा ना इसके बीच में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में आएगा, तो ये हो जाएगा नाइन बाई टू हमारा आंसर। तो अब इनके, इन्होंने कहा है कि इसके देखो यहाँ पे लेस देन का साइन है, एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए माइनस वन बाई टू से बड़ी होनी चाहिए लेकिन नाइन बाई टू से छोटी होनी चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, जो हमारा सेट बनेगा
अब ये देखिए, x की वैल्यू माइनस वन बाई टू से, वन बाई टू से बड़ी, तो वन बाई टू से बड़ी, वन बाई टू से बड़ी क्या जीरो है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। फिर क्या है भाई, ये वन है, फिर क्या आ जाता है, टू आ जाता है, फिर क्या आ जाता है डियर, थ्री आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर। बाकी इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, फोर फाइव तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नाइन बाई टू यहीं पर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा एक पूरा एक सेट बन गया। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर, चलिए जरा अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन गिवन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है डियर, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि भाई सी क्या दे रखा है यहाँ पे, कि सी एक सेट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स, क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एक्स की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन की पहला। ठीक है, तो डियर एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने जब इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा, ये देखिए आप ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है भाई सी मेरा एक सेट होना चाहिए रोस्टर फॉर्म में, मेरे पास दे रखा है कि जो एक्स की स्क्वायर है, कहने का मतलब एक्स की स्क्वायर है जो मतलब फोर, यानी सीधी सी बात है भाई, मैं अभी ये जो वैल्यू दे रखी है, सपोज ये रफली वर्क ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर दे रखा है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू में फोर, तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा डियर, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू में रूट के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर फोर आ जाएगा, यही ना, रूट के अंदर फोर हो जाएगा। जब मैं इसका रूट ब्रेक करूँगा तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो प्लस और माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर साइन देखो, साइन क्या गिवन है डियर, साइन हमारे पास गिवन है लेस देन इक्वल टू, जब लेस देन इक्वल टू का भी साइन आएगा तो ये भी इंक्लूड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू जो सेट बनेगा वो माइनस टू से बनेगा, माइनस टू ऐसे माइनस टू माइनस वन और उसके बाद जीरो, फिर उसके बाद वन आ जाएगा, फिर उसके बाद टू आ जाएगा, यानी कि प्लस टू तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है और इससे पीछे नहीं जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है ना, तो ये हमारा रफ होता है जो मैंने आपको समझाया है, बस और कुछ नहीं करना है आपका। जो इन्होंने बोला कि एक्स एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर होना, इंटीजर मैंने क्या बताया था, इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, बताया था ना टीयर पीछे आपको मैंने, जो इंटीजर होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जरा इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। ठीक है, चाहो तो आप इसको ना समझ में आया इसको तो यहाँ पे देखो, मैं देखो यहाँ पे बता बना भी देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे मेरा जीरो हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टू, बात समझ में आ रही है ना, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वन, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा प्लस टू, यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाला, इससे कोई मतलब है। तो भाई यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है, जब साइन मैंने कहा था ना, जब साइन हमारे पास ये वाली यानी लेस देन इक्वल, दोनों साइन सिर्फ लेस देन होता है तो इनके बीच की वैल्यू आती, इनके बीच की वैल्यू आती, लेकिन इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब है कि ये भी वैल्यू इंक्लूड होगी और ये भी वैल्यू इंक्लूडेड, यानी कि दो यहाँ पे भी ये भी वैल्यू और ये भी इंक्लूड हो जाएगी इसके साथ। तो मैंने देखे यहाँ पे माइनस टू से टू तक लिया है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट भी देख ले, सॉरी फोर्थ पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है डियर, फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कह रहा है हमारे पास कि भाई डी एक सेट है, क्या है, इन्होंने बोला है डी एक सेट है, इन्होंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर, इज अ लेटर लेटर इन द वर्ड लोयल, क्या दे रखा है डियर, लोयल लोयल, यानी कि इसका आपको रोस्टर फॉर्म करना है। तो डियर इसका तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने पीछे भी करा रखा है, यहाँ पे डी जो जो डबलिंग है, डबलिंग वर्ड को लेना नहीं आपको पता है ना, तो यहाँ पे एल हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ठीक है, वाई हो जाएगा, और क्या बच जाएगा डियर यहाँ पे, ए बच जाएगा, क्योंकि एल को दोबारा लेना नहीं है। तो ये देखिए बन गया हमारा एक से, समझ में आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यानी कि इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है। देखिए फिफ्थ पार्ट में बोला गया है, इन्होंने फिफ्थ पार्ट में कहा कि एक ई हमारे पास एक सेट है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ, क्या कहा इन्होंने, इज अ
मंथ ऑफ अ ईयर, मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग, नॉट नॉट हैविंग 31st डे, 31st डे, यानी कि वो मंथ्स के नाम बताइए, ठीक है ना, वो मंथ्स के नाम बताइए जो 31st के नहीं होते हैं, 31st डेज के नहीं होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बात करूं, भाई देखो मैंने अभी पीछे आपको मंथ के बारे में बताया हुआ था, बताया था ना मंथ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे वाई जनवरी क्या होता है, जनवरी जो होता है वो हमारा 31st का होता है, मार्च हमारा 31st का होता है, मई हमारा 31st का होता है, और जुलाई भी हमारा 31st का होता है, और अगस्त भी हमारा 31st का होता है, सितंबर अक्टूबर हमारा 31st का होता है, ठीक है, और दिसंबर हमारा 31st का होता है। और बचा क्या है आपके पास, बचा क्या, फरवरी अप्रैल जून और सितंबर और नवंबर, ये जो वैल्यू बची है ये 31st के नहीं होते हैं। तो बस इनका एक सेट बनाना था, और करना क्या था आपको, इन्हीं का एक सेट बनाना था। तो आप सोल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए आप सोल्यूशन में क्या लिखोगे, यानी कि जो ई सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा फरवरी, ठीक है, फिर उसके बाद अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल हो गया, फिर उसके बाद आपका जून हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका सितंबर हो गया, और लास्ट में बच गया आपका नवंबर। तो ये जो मंथ होते हैं ये 31st के नहीं होते। तो इन्होंने बोला है, यही बोला है क्वेश्चन में कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31st डे, वो मंथ के नाम बताइए जो 31st डेज के नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है, जो 31st डेज के नहीं होते हैं। तो 31st डेज के जो मंथ नहीं होते हैं वो फरवरी होता है, अप्रैल होता है, जून होता है, सितंबर होता है, और नवंबर होता है, ठीक है डियर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका जरा एक लास्ट पार्ट रह गया, सिक्स पार्ट रह गया, तो सिक्स पार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे कि सिक्स पार्ट क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास इसका जो सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स पार्ट में बोला है यहाँ ने, देख लेते क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि भाई एफ कह रहा है कि एफ एक सेट हमारे पास दे रखा है, और इन्होंने बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट, इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड के, विच प्रिसीड प्रिसीड्स के, यानी कि के से पहले पहले के क्या होते हैं, के से पहले पहले के सारे आप क्या लिखोगे, मतलब कॉन्सोनेंट लिखना है डियर, कॉन्सोनेंट के बारे में बात कही गई है। तो चलिए जरा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ जी एच आई जे और के। तो इन्होंने कहा कि के से पहले पहले के कॉन्सोनेंट के बारे में बोला है उन्होंने, किसके बारे में बोला है, कॉन्सोनेंट के बारे में। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, ए कॉन्सोनेंट होता है, नहीं होता है ना, तो ए हमारा कॉन्सोनेंट नहीं होता है, ठीक है, बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, सी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, डी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, ये हमारा कॉन्सोनेंट नहीं होता है, ठीक है ना, ई हमारा कॉन्सोनेंट नहीं होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई हमारा कॉन्सोनेंट नहीं होता है, फिर जे, जे भी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और के तो हमें लेना नहीं क्योंकि के से पहले पहले के बोला है। तो जो बच गए, यानी कि हमारे पास जो सेट बनेगा वो सेट, जैसे एफ का सेट बनेगा, क्या बनेगा वहाँ पे, बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, डी बन जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, और जे हो जाएगा, ये हमारा सेट हो जाएगा। समझ में आई? तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन लिखना है, तो जब सोल्यूशन करोगे यहाँ पे एफ हमारा एक सेट बनेगा, जो बनेगा वो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी, ठीक है डियर, फिर एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, और एच, और लास्ट का बच गया आपके पास जे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब फिफ्थ का सारे पार्ट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, ओके डियर। चलिए जरा अब एक क्वेश्चन और रह गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका सिक्स रह गया। तो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स डियर, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैचिंग का दिया हुआ है, और मैंने आपको मैचिंग देखिए पहले भी कराया हुआ था एग्जांपल नंबर फिफ्थ, ठीक है ना, वैसे ही है, कुछ नहीं है, चेक करते हैं जरा, देख लेते हैं यहाँ पे।
देखिए हमारे पास जो मैचिंग दे रखा है यहाँ पे दिख रहा है डियर आपको, यहाँ पे मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट इन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको करना क्या डियर, जो मैंने पीछे आपको बताया था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन को करना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे 1 2 3 6 है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है ये किसके होते हैं, तो भाई सीधी सी बात अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई इसमें देखिए पहला वाला दे रखा है कि एक्स एज दट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड द डिविजर ऑफ सिक्स, प्राइम नंबर और एज अ डिविजर ऑफ सिक्स। तो देखो प्राइम नंबर के बारे में बोला इन्होंने, किसके बारे में बोला है, प्राइम नंबर और डिविजर ऑफ सिक्स। तो प्राइम नंबर और डिविजर ऑफ सिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए तो अगर प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2 होता है, 3 होता है, ये होता है ना, 5 होता है, और क्या होता है, 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना, 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है। तो भाई 6 तो यहाँ पे देखिए डिविजर ऑफ प्राइम नंबर 6, तो 6 तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता ना डियर, बात समझ रहे हैं ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देख लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड वाला दे रखा है एक्स एज दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये हो ही नहीं सकता कि जो ओड नेचुरल नंबर होते हैं 10 से नीचे 9 भी आता है, ठीक है, 7 भी आता है, बात समझ में आ रही है ना। तो ओड नेचुरल नंबर यहाँ पे तो आपको पता है इवन नंबर भी दे रखा है, तो बात समझ में आ रही है ना, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आता है एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ सिक्स एंड डिविजर नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ सिक्स। तो हाँ भाई नेचुरल नंबर भाई 6 का अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो 6 1 से भी डिविजल होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा और 6 खुद से होगा। तो 1 2 3 6 देख लीजिए, 1 2 3 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है बना यहाँ पे जो फर्स्ट है वो किसका मैचिंग है, सी पार्ट का मैचिंग है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड का, तो सेकंड हमारे पास दे रखा है, देखिए सेकंड दे रखा है 2 और 3। तो 2 और 3 जो है, अब यहाँ पे पहले ही पता चल गया था जो मैंने पीछे बताया कि भाई प्राइम नंबर क्या बोला है, प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 6। तो 6 जो होता है वो मैंने क्या कहा था अभी, 6 जो है प्राइम नंबर, इसमें से क्या है प्राइम नंबर हमारे पास 2 और 3 है, यहाँ पे देखो 2 और 3 है ना प्राइम नंबर, तो 6 डिविजर हो जाएगा, 2 से भी डिविजर हो जाएगा और 3 से भी डिविजर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड है वो हमारा ए का मैचिंग है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, देखिए थर्ड, थर्ड किसका मैचिंग होता है, थर्ड हमारे पास दे रखा है डियर देखिए मैथमेटिक्स। तो इसको देख के ही पता चलता है कि जो थर्ड है ना वो लास्ट वाले का मैचिंग है, ठीक है। तो जो थर्ड है वो डी का मैचिंग है और बच गया एक लास्ट हमारा फोर्थ। तो फोर्थ जो बचेगा वो किसका हो जाएगा डियर, वो बी का हो जाएगा। भाई क्वेश्चन चेक कर लो यहाँ पे 1 3 5 7 9, तो ये बोला है ना ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये जो हो जाएगा वो बी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये बी का मैचिंग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ डियर आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है डियर। अब हम अगले क्लास में बात करने वाले हैं चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।